हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ एट वी लाइव। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ करने वाले हैं, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वन। आपने बाहर जगह बात पढ़ी होगी, जीरो फैक्टोरियल होता है वन, लेकिन क्यों? तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टू फैक्टोरियल जब आप लिखते हो तो वो क्या होता है? टू फैक्टोरियल होता है टू इंटू वन, मतलब टू। वहीं थ्री फैक्टोरियल जब आप लिखते हो तो वो क्या होता है? थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब सिक्स। ऐसी फोर फैक्टोरियल जब आप लिखते हो तो वो क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब कि 24। ऐसी वन फैक्टोरियल क्या होता है? वो होता है वन। अब अगर मैं फोर फैक्टोरियल में से, इस पूरी टर्म में से फोर डिवाइड कर देता हूं तो क्या बचता है मेरे पास? मेरे पास बचता है थ्री फैक्टोरियल। मतलब इस 24 में से अगर मैं फोर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? थ्री फैक्टोरियल। मेरे पास थ्री फैक्टोरियल आएगा। वहीं अगर इस थ्री फैक्टोरियल में से अगर मैं थ्री डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? टू फैक्टोरियल। और यही है इसका प्रूफ का लॉजिक। इस टू टू में से अगर मैं टू डिवाइड कर दूं, क्यों टू डिवाइड करूं? क्योंकि ये टू फैक्टोरियल है। तो इसमें से अगर टू डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वन। और वहीं अगर वन फैक्टोरियल जब मेरे पास आ चुका है तो अब मुझे निकालना है जीरो फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल होता है वन। वन में से क्या डिवाइड करूंगा मैं? वन। और वापस गया तो ये क्या आ गया? वन। तो इस तरीके से जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, जीरो फैक्टोरियल होता है वन के इक्वल। ये था इस वीडियो का प्रूफ।